Hi everyone, myself Sarshad Sheikh. Welcome to my channel Sarshad Sheikh Recipes. आज हम बनाएंगे आलू पराठा. आलू पराठा आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना सकते हो, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हो. बच्चों को, बड़ों को, सबको आलू पराठा बहुत पसंद आता है. आलू पराठा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. 3 मीडियम साइज़ बटाटा बॉयल स्मैश, 1 बड़ा प्याज फाइनली चॉप किया हुआ, हरा धनिया, बटर, आप बटर की जगह घी भी यूज कर सकते हो, ड्राई कड़ी पत्ता. मसाले देख लेते हैं. जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1/4 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1/4 चम्मच, काली मिरी पाउडर 1/8 टीस्पून, चाट मसाला 1/8 टीस्पून, राई 1/4 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्च का पेस्ट 1/4 चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1/4 चम्मच. 2 बोल आटे को मैंने गून के रख लिया है पहले से. चलिए आलू पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर मैंने पैन लिया है. पैन गरम होती इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे. ऑयल गरम होती हम इसमें राई डालेंगे. अभी हम कड़ी पत्ता डालेंगे. राई और कड़ी पत्ता को अभी हम सॉटे करके लेंगे. गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है. अभी इसमें फाइनली चॉप प्याज डालेंगे और इसे अच्छे से सॉटे करके लेंगे. प्याज को पिंक होने तक हमें फ्राई करके लेना है. प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई करना नहीं है. प्याज जले ना नीचे से आपको इसका ध्यान देना है, इसलिए आपको बीच बीच में चमचा चलाते रहना है. आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन प्रेस करें जिससे आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. देखिए हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं. अभी हम इसमें मसाला डालेंगे. अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, चाट मसाला पाउडर, काली मिरी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर. अभी हम सब मसाले को अच्छे से सॉटे करेंगे स्लो फ्लेम पे. अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. इंस्टाग्राम आईडी मेरा स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. अभी हम इसमें बॉइल स्मैश आलू डालेंगे. मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट में या बच्चों के टिफ़िन में बनाना है आलू के पराठे, तो आप ये मिक्सर बना के फ्रिज में रख सकते हो. मॉर्निंग में आप इसे फ्रिज से बाहर निकाले, रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आप इसके पराठे बना सकते हो. अभी हम इसे अच्छे से सॉटे करके लेंगे स्लो फ्लेम पे 2 मिनट तक. आलू के पराठे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं. अभी इसमें हम चॉप फ्रेश हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे. यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए पराठे बनाए हैं, उसके हिसाब से मैंने स्पाइसेस कम यूज़ की है. अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो इसमें थोड़ा से स्पाइसेस आप ज़्यादा डाल सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से. अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सर को ठंडा करके लेंगे. आलू का मिक्सर ठंडा होने तक हम आटे के बॉल्स बना लेते हैं. आलू पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं. इजी और सिंपल रेसिपी है. आपको ऐसे ही आटे के बॉल्स बना के लेने सारे आटे के. देखिए हमारे यहाँ पर सारे आटे के बॉल्स रेडी है. चलिए आलू के पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं. अभी हम आटे का एक बॉल लेंगे, उसे सूखे आटे से कवर कर लेंगे. अभी इसे बेल लेंगे बेलन की मदद से हल्के हाथों से. आपको आटे पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, हल्के हाथों से इसे बेल के लेना है.
अभी हम इसमें आलू की स्टफिंग फिल करेंगे 2 चम्मच। स्टफिंग को हाथों की मदद से इसे बीच में करेंगे। अभी हम इसका बॉल बना के लेंगे इस तरह से फोल्ड करके। इस बॉल को ड्राई आटे से कवर करेंगे। अभी हम हल्के हाथों से इसे बेल कर लेंगे। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, इसे हल्के हाथों से ही बेल कर लेना है। अगर हम ज़्यादा प्रेशर से इसे बेलेंगे तो अंदर की जो स्टफिंग है आलू की वो बाहर आ जाएगी, हमारे पराठे टूट जाएंगे। देखिए मेरे साइड्स मोटी है इसलिए मैं साइड से बेल रही हूँ। आप बच्चों को टिफिन में पराठे दे रहे तो साइज में छोटे बनाए और आप अलग शेप में भी बना सकते हो, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर। देखिए यहाँ पर पैन गरम होने रखा है। पैन गरम होते ही इसमें तेल स्प्रिंकल करना है और पराठा डालना है। जब पराठे में आपको ऐसे बबल्स आने दिखेंगे तब हम पराठे को टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से भी सेक कर लेंगे। पराठे को हाई फ्लेम पे सेकना है ताकि हमारे पराठे सॉफ्ट बने। अभी हम पराठे को टर्न करेंगे। अभी हम इस तरफ से इसे अच्छे से पका के लेंगे। अभी हम इसे टर्न करेंगे। देखिए हमारा पराठा अच्छे से पक चुका है। अभी हम इस पे बटर डालेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अभी हम पराठे को टर्न करेंगे। अभी हम दूसरी तरफ भी बटर को अच्छे से स्प्रेड करके लेंगे। अभी हम पराठे को टर्न करेंगे। देखिए हमारा पराठा फूग रहा है। अभी हम पराठे को एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के सारे पराठे इसी तरह बना के लेंगे। मैंने दूसरा पराठा भी बना के ले लिया है, इसे भी हम अच्छे से सेक कर लेंगे। पराठे को आपको हाई फ्लेम पे ही सेकना है ताकि वो सॉफ्ट बने। पराठे को जलाना नहीं है इसलिए आपको बार बार इसे टर्न करते रहना है। आलू पराठे में यहाँ पर मैंने बटर यूज़ किया है, आप घी भी यूज़ कर सकते हो। आप पराठे को दही के साथ, टमाटो केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो, पुदीना धनिया की ग्रीन चटनी के साथ। बहुत लोग जब आलू के पराठे बनाते हैं तो जो आलू की स्टफिंग रहती है वो कच्ची रहती है, उसको तड़का नहीं देते हैं। आप जब नेक्स्ट टाइम आलू के पराठे बनाएंगे तो मेरी ये रेसिपी ट्राई करना जिसमें मैंने तड़का दे के बनाया है। आपको ये रेसिपी ज़रूर बहुत पसंद आएगी। देखिए हमारे आलू के पराठे तैयार है सर्व करने के लिए। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।